जी तो उधर दूध थोड़ा बहुत मिल जाता था बिल्कुल और बहुत ही पत्ती कम डालते हैं। असल में वहाँ कर हमारे उधर तो कराची में तो भाई सिर्फ चाय ही है वहाँ तो चाय और पान। मतलब देयर इज अ थिंग कपटी इज लाइक यू नो यू जस्ट गो एनी वेयर सिट वॉट एवर चाय इज रेडी एनी शॉप एनी वेयर यू नो एवरीबडी ड्रिंक टी एंड एन अ थिंग कॉल्ड पान यू नो यस पान इज इन फिजी, लॉट ऑफ पान इज मेड इन फिजी, सो ब्यूटीफुल पान है फिजी में, जबरदस्त पान है, पान बहुत है, जी हर घर के बाहर लगा हुआ है पान, ताजा इतना बेहतरीन क्वालिटी का पान है फिजी के। फिजी में अच्छा बताओ, वेट सो मैं पेन 1987 में जब हम फर्स्ट टाइम गए तो कोई पान खाता नहीं था, इनको नहीं पता था पान क्या करता है, तो हमारा दो आदमी पान खाते थे हमारी जमात में, तो ड्रासा है ना ड्रासा, ड्रासा के मोहम्मद हुसैन होते थे, इंतकाल हो गए, वो आए बूढ़े थे, वो हमें एयरपोर्ट पे नहीं गए, तो हमारे साथियों ने कहा कि चाचा पान मिलता है यहाँ पे, तो मतलब पान तो मिले रहे पर बकरी खाता है आदमी नहीं खाता बकरियां खाती थी वो पान की बेले, तो हमारे एक साथी थे वो बहुत मसाला साथ लाए थे, कत्था चूना खोपरा सुपारी सब लाए थे साथ, मजे आ गए उनके तो। अब जो उन्होंने बना बना के लोगों को खिलाया लोग तो पागल हो गए, अब तो इतना पान खाते हैं आपके वहाँ सब सिखा दिया, हमने बहुत ख्याल, रास्ते में जाते हुए इतने मजेदार पान फ्रेश और बारिश बहुत होती है ना सुबह में, तो बहुत बारिश है भाई। आमीन साहब के भाई है ना कासिम, मैंने मिला आप नहीं जानते, वो हमारे साथ थे, वो बहुत पान खाते थे। अच्छा, वो इतनी बड़ी टोकरी थी उनके पास पूरे पान मसाले की। अच्छा, पान बना बना के खिलाए लोगों को, लोग खुश हो जाते थे और मिठाई बनाते थे, मैंने कहा मिठाई की दुकान थी इनकी, तो वहाँ पे ये नारियल बहुत है ना, तो नारियल के अंदर का खोपरा होता है ना जो, वो खोपरे की मिठाई बना के खिलाते। वो वही वाली बात है ना कि papaya is the best in Fiji. No match of papaya. It's red papaya. आप नहीं गए ना फिजी? नहीं मैंने गए। Varieties red ना? Papaya is obviously the best in वो Fiji. South Pacific तो है ही अच्छा। आप कितने अरसे से हैं? Very red. Australia में? नहीं नहीं हम लोग तो very red. अच्छा आप? Okay. Orange वाला इतना sweet नहीं है, but the red one. The red one is very sweet. The small one, very sweet. Hawaii one. Hawaii. Bangkok also है. Singatoka में सबसे ज़्यादा होता है. Singatoka. हम वहाँ खाए रहे, Tonga में खाए रहे. Tonga में भी वहाँ. Tonga में भी खाए रहे. ये है ना ये नकली फिजी वाले, इसको कुछ नहीं पता. ये छोटे थे जब ये आ गए थे, ये इसको कुछ भी नहीं मालूम, इनके अब्बा जब इन लोगों को लेके आए तो ये लोग छोटे ही थे, तो 6 साल के, तो इनको मतलब सिर्फ जबान बोलनी आती है, बाकी जो एक्चुअल कल्चर है वो जस्ट लॉस्ट, सो बट स्टिल यू नो है तो सही, लेकिन इतना ज्यादा रहे नहीं, जाहिर है अपनी टीन एजेस में। इनके फिजी में कवाली बहुत होती है, कवाली बड़े बड़े कवाल, बड़े बड़े तीन कवाल को तो हम वसूल करके चार मिलियन, उन्होंने एयरपोर्ट पे कवाली की थी, हंगामा हो गया था, एंजॉय करते हुए। सिंगाटोका का रमजान कवाल था, सिंगाटोका का शफीक कवाल था, मा का जाकिर कवाल था, सोचे ना कि पाकिस्तान से आके आप यहाँ बस जाएं हावड़ा में तो क्या हाल होगा इंसान का, हम तो शुरू में के दिनों में तो हम मतलब पागल हो गए, दुकानें यहाँ 5 बजे बंद हो जाती हैं, यहाँ निकले 5 बजे के बाद कुछ लेने के लिए तो लाइटें जल रही हैं, पता चला जी सब बंद हो गया, पूछा जी क्या कोई हड़ताल वड़ताल हो गई क्या, कहने लगे नहीं जी सुबह 8 बजे खुल जाती हैं दुकानें, 5 बजे बंद हो जाती हैं। अच्छा जी, तो समझ लें आपके कराची से आए हुए, मैं अभी लास्ट ईयर पाकिस्तान होके आया तो वहाँ तो भाई 12 क्या 1 क्या 2 क्या 3 तो 8 बजे भी सुबह खुली है। डिस्को बेकरी पे वालदा का घर है तो वहाँ तो भाई 24 आवर्स है डिस्को बेकरी, तो मैं भी बहुत रहा हूँ वहाँ, मतलब 24 घंटे कहे वहाँ पे, मतलब कुछ चीज़ ख़त्म ही नहीं होती वहाँ जी। और अब यहाँ रह के इतनी आदत हो गई अजीब सी कि वहाँ अजीब सा लगा शोर और रश और ट्रैफिक के में खड़ा होना, अभी यहाँ सिग्नल नहीं है यहाँ पे कोई,
हमारे इस इलाके में, इस टाउन में सिग्नल कोई नहीं है, और अगर इंटरसेक्शन पे आपको मेरे ख्याल है 3 से 4 मिनट खड़ा होना पड़ जाए ना, तो आपको जो है ना वो अजीब सा लगता है, कोफ लगती है, क्योंकि सुबह स्कूल के टाइम 8 बजे और शाम को 4-5 बजे थोड़ा सा हो जाता है रश, यहाँ भी थोड़ा सा लोग आते जाते हैं, तो अदरवाइज तो खाली। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है ऑकलैंड और वेलिंगटन से तो मतलब बहुत ही फ़र्क है, वहाँ तो अभी भी लोग हैं खैर, लेकिन यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जी वहाँ तो अब सभी हर कोई वहीं उतर रहा है ना, और तो गवर्नमेंट भी यहाँ की इनक्रेज कर रही है लोगों के भाई यहाँ आओ, बहुत हो गया वहाँ, मतलब यहाँ इमिग्रेशन पे अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको 25 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। अच्छा। कि आप रूरल आए तो अच्छा, मतलब अगर 100 पॉइंट वो मांग रहे हैं आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस और सब के, तो 25 पॉइंट खाली आपके रूरल के देते हैं। अच्छा। 75 आप अपने पॉइंट्स ले लो और 25 यहाँ के। अगर आपको जॉब ऑफर, अभी लड़का था इधर हमारे पास इस्लामाबाद का आया, डायरेक्ट उसने अप्लाई किया, आईटी में था, मास्टर्स उसने किया हुआ था, वाइफ उसने किया हुआ था, पीएचडी दोनों ने अप्लाई किया, और इत्तफाक से जॉब उनको यहाँ मिली, झटपट में उनका काम हो गया, सीधा आए और सीधा यहाँ कौंसिल में जॉब की, अब यहाँ से वो निकल गए वेलिंगटन, मतलब आए तो सही, यहाँ फौरन काम हो गया। लेकिन अगर ऑकलैंड में कहीं अप्लाई करते तो ना मिलता फौरन, क्योंकि यहाँ ये है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है आपको यहाँ आके रहो। ऑकलैंड में तो बहुत रश है, लेकिन ये है कि बड़ा शहर है, सब कुछ है ही वहाँ पे, मिल जाता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाग तो बहुत आए गए, लेकिन माशाल्लाह इत्तफाक है इस दफ़ा के आपका चक्कर यहाँ का लगा। यहाँ ग्राउंड थी बड़ी खूबसूरत क्रिकेट की, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त है। न्यू प्लिमथ है, न्यू प्लिमथ जी, वह है ना, बड़ी खूबसूरत ग्राउंड है, पक्कीकोरा पार्क है जी, वहाँ बहुत अरसा हुआ कोई हम खेले फर्स्ट क्लास, आई थिंक ये मंडे खेले थे। हाँ हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इन्होंने इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जो कि लोगों की डिमांड है, सही है, क्रिकेट तो सारे मतलब खेलते हैं यहाँ, लेकिन न्यू प्लिमथ में अब छोटा सेंटर है, मतलब वो तुरंगा और नेपियर हेस्टिंग्स ले जाते हैं, लेकिन इधर नहीं लेके आते, आई डोंट नो क्या वजह है उनकी, लेकिन बेसिकली यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, अगर लाएं तो थोड़ा सा टूरिज्म भी आए इधर। सही बात, बस यहाँ बेसिकली कुछ इतना, सिर्फ एक माउंट है, समंदर तो चारों तरफ ही है, मतलब हमारे यहाँ घर से 5 मिनट पे समंदर है, इधर समंदर है, इधर समंदर है, और बाकी एक लेक है न्यू प्लिमथ के, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, रास्ते वालेकुम सलाम, तो बस यहाँ यही है सब कुछ, बाकी खाना पीना जो है वो गोश्त वगैरह जो है वो सब आपको न्यू प्लिमथ या फिर पामिस्टन से लाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि कोई एस सच शॉप वगैरह है नहीं यहाँ पे, तो न्यू प्लिमथ में एक शॉप है वहाँ से या फिर पामिस्टन से, क्योंकि ज़्यादा आबादी नहीं है तो कोई दुकान खोलता भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ना दुकान खोल जी, तो वो हलाल चीज़ों घर हैं यहाँ, हम तकरीबन इस वक्त 12-13 होंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम को मिला, नॉन मुस्लिम तो 8,000 की आबादी है, 8,000 प्लस है, तो ये लोग गोश्त नहीं लेते? नहीं नहीं लेते हैं वो तो, लेकिन हम लोग तो देखते हैं ना कि हमें तो हलाल चाहिए, लेकिन ये तो आप बहुत शौकीन है हलाल के, यूके वगैरह में तो अगर खुले तो लोग लेंगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है ना लोगों का, कोई अपनी एक कोई प्रोफेशनल लोग, यहाँ पे दुकानें थी लेकिन एक्चुअली वो चली नहीं, क्योंकि लोग खरीदते हैं सुपरमार्केट से ही। अच्छा। गोश्त वगैरह एक ही साथ जाते हैं, वो नहीं दूसरी जगह जाके लेना चाहते, तो बेसिकली सुपरमार्केट में, अच्छा वो वाली बात है ना कि सुपरमार्केट में आपको अच्छी खूबसूरत पैक हुई भी अच्छी चीज़ मिलती है, तो वो जाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ के लिए। और वो हलाल भी नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों की तो जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम हर जगह से नहीं ले सकते, तो ये है कि, लेकिन ये है कि अशरफ और असद हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मीट वर्क्स में हैं यहाँ, और बस ईदों वगैरह पे भी हो जाता है, मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तंगी नहीं है कि जिसमें आदमी कहे कि जी मुझे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है। तो आप लोगों ने वेल ऑकलैंड से फ्लाई करके आप आए न्यू वेलिंगटन? अच्छा, वहाँ से हम वेलिंगटन 2 दिन काम कर रहे, फिर
एक एक दिन हम रुकते रुकाते अच्छा अच्छा माशाल्लाह काफ़ी क्योंकि ड्राइविंग 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 अल्लाह ताला हिम्मत दे देता आमीन 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 और असल में सफ़र भी पाकिस्तान से अगर यहाँ आना हो तो बहुत दूर है बहुत दूर है पूरे एंड में यहाँ हम लोग दुनिया के लिए आना तो मुश्किल लेकिन अल्लाह ताला बहुत हिम्मत देता है मैं तो हैरान हूँ मैं तो बहुत सुस्त आदमी हूँ कि अल्लाह ताला जब चाहता है ना किसी से काम लेना फिर अल्लाह ताला उसको खुद ही माशाल्लाह निज़ाम बना ऐसी जो रातें हैं ना यहाँ तो अच्छी रातें जल्दी हो जाती हैं जी जी अल्लाह ताला हदीस बुखारी की अल्लाह की रहमत पहले आसमान पे आती है रात की आधी रात बाद यानी समझ लें कि जो अराउंड वहाँ लिखा होता है ना अरब में लिखा होता है डेढ़ बजे या दो बजे वो होता है क़यामुल्लैल वहाँ अल्लाह बुखारी में कहते हैं कि मेरी रहमत पहले आसमान पे आके पुकारती है कोई जो मुझसे मांगे उसको अता करूँ है कोई जो मुझसे जो हाजत है मेरी माफ़ी मांगे तो अगर उस वक्त आदमी और कुरान की आयत भी है ईमान वाले बिस्तर पे थोड़ा सोते हैं रातों को मुसल्ले पे ज़्यादा होते हैं सूरह सजदा में है सूरह ज़ारियात में भी है तो एक रात को अगर आदमी एक घंटा भी हिम्मत करके उठ जाए नफ्स पे भारी तो होता है और उसमें थोड़ा सा दो चार नफिल पढ़ ले शुरू में थोड़ी सी दुआ कर ले और इस्तग़फ़ार कर ले ना ये अल्लाह का असल है अल्लाह को वो मुसलमान बहुत पसंद है जो इस्तग़फ़ार करता हो ना और अल्लाह को मुसलमान बहुत नापसंद है जो अपनी नेकियों पर जिसको तसल्ली कि जी मैं बहुत नेक हूँ और मैं बड़ा काम करता हूँ ये तो यानी कोई भी अच्छा हमारा खिलाड़ी होगा हमने उसको हमेशा परेशानी देखा यार मैं स्कोर कम कर रहा हूँ चाहे वो सचिन तेंदुलकर है साल में 1500 रन करके ही परेशान रहता है यार 2000 करने चाहिए ये ग्रेट प्लेयर की अलामत है ना तो सहाबा जितने सहाबा हैं वो हज़रत उमर जैसा आदमी अपने आप को मुनाफिक समझता था अबूबकर सिद्दीक रहता है ना मुनाफिक एक सहाबी कहते हैं मैं एक ताबी कहते हैं 60 सहाबा से मेरे सब अपने आप को मुनाफिक समझते थे तो ईमान वाले की निशानी है कि उसको अपने इस्लाम पर तसल्ली नहीं होगी कभी कह गया यार नमाज अभी तक ध्यान नहीं बना यार मैं क्या नमाज पढ़ रहा हूँ अच्छा ये जब एहसास होता है इन आँखों का एहसास आदमी को हो जाता है थोड़ा बहुत लेकिन अगर कहीं नाबीनाओं में चला जाए ना तो अधिक पागल हो जाए अल्लाह ये दिया इंसान को अपने दीन की कमी जब मिलती है जब वो दीनदारों में जाते हैं यार तो यार कैसा कुरान पढ़ रहा है मैं अभी भी परसों तरसों ही कुरान सुना मुझे इतना अफसोस हो गया अल्लाह मुझे तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता अरे मैंने कारी भी लगाया हुआ पढ़ता भी हूँ लेकिन उसके सामने ज़ीरो था मेरा कुरान ऐसे अल्लाह ताला जब माहौल में आदमी रहता है इसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी बसर कराएगा दो काम कर लो दीन में से हमेशा अपने से ऊपर वाले में बैठो और दुनिया में से नीचे वाले में बैठो हमने इसको असल में घुमा दिया हम दीन में अपने से नीचे वाले में बैठते हैं पाँच वक्त का नमाजी जो है जुमे वाले के साथ बैठता है ज़्यादा जुमे वाला ईद वाले के साथ बैठता है ईद वाले के सारी जानने वाले बेनमाजी हैं तो उनको अपनी ईद की नमाज़ बहुत लगती है और हम ऐसे लोगों से मिले भी हैं जिनको ईद की नमाज़ में तसल्ली दी हुई है सही बात तो अल्लाह ताला जो अमाल रिस्क बताया ना वो 25-30 हैं वो है ही नहीं है तो एक निज़ाम चल रहा है गैब में बावजू रहना माँ बाप की खिदमत करना और रिश्तेदारों को जोड़ना सूरह यासीन सुबह पढ़ना सोने से पहले सूरह वाकिया पढ़ना घर में सलाम करके दुरूद शरीफ और सूरह इखलास पढ़ के दाखिल होना अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा जो और जब जमातें आएंगी नुसरत करेगा अल्लाह कह रहे हैं ईमान के पक्के हैं जो ईमान में अपने सच्चे हैं इनके लिए इज्जत वाली रोज़ी है हिजरत और नुसरत से रोज़ी जुड़ी हुई है कैदियों की गर्दन छुड़ा और फरमाया मैं कसम खाता हूँ जो सदका देगा अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाएगा ना जब आदमी की मौत होगी तो फरिश्ते का उसके कहेगा मुझे एक मिनट देना हो कहेगा क्या होगा क्या मैं ज़रा सदका कर लूँ ये नहीं आज कर लूँ नमाज़ पढ़ लूँ सदके का क्या है जब सदके का अजर देंगे इतना आज का मुसलमान एक वाक़ा आता है ना अजीब वाक़ा क्या ज़बरदस्त वाक़ा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज पे जा रहे थे अपनी जमात के साथ तो रस्ते में देखा कि एक लड़की कचरे से कुछ उठा के भागी कोई जानवर वगैरह परिंदा वगैरह कोई तो वो जाके उसने फिर कुंडी लगा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसके घर में खटखटाया कि लड़की तू मुर्दा उठा के लाइए हराम है मगर बड़े मियाँ यहाँ से चले जाओ यहाँ से चलो जो भी हो मैं तो 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं अब तो मुझ पर हराम हलाल हो गया उन्होंने अपने हज का जितना सामान था साथियों से कल हज नहीं करेंगे सारा सामान बच्ची को दे दो सारा सामान दे के मैं डेरा लगा लिया क्या वापस जाएंगे हाजियों के साथ चले जाएँ पता भी नहीं चले चंद दिन गुजरे तो हाजी वापस आए तो एक हाजी ने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब खैरियत खैरियत कौन तुमसे तवाफ़ में मुलाकात थी तवाफ़ में खैरियत हाँ तवाफ़ में नहीं मिला अच्छा एक आया हजरत आपसे मीना में
एक अराफात में, एक मुजदलफे में, परेशान। एक आया कि हज़रत मैं बड़ा परेशान था, आपने अमानत रखाई थी, ये आपके 10 दीनार हैं सिक्के सोने के, ये आपने वादी किया था। मैंने लगा आप ही तो रखवाए थे रख लिए। अब परेशानी क्या हुआ, तो रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो आपने कहा है अब्दुल्ला जिस लड़की को तूने ये पैसे दिए थे मेरी बेटी हाशमी ख़ानदान की थी, तो अल्लाह ताला ने तुझे 10 दीनार उसके बदले भिजवाए और तूने हज की नियत की थी, अल्लाह ताला ने फरिश्ते की शक्ल में तेरी शक्ल में फरिश्ते राज करा के तेरे हज को कबूल कर दिया। अगर हम इंशाल्लाह करें सबका करेंगे तो अल्लाह ताला इतना अता करते हैं। आपने कुछ अपनी राय लिखी इसमें? ये रखेंगे हम हमारे अमीर साहब शफी भाई हमारे लिए कुछ लिख जाइएगा। उनको ले आता ना रास्ता, उनको नहीं पता। अच्छा अच्छा पीछे ही पीछे ही। हाँ मैं चप्पल पे जा रही है क्या? ना ना ऐसी आ गई खैर है। बस यही हम लोग इस जहाँ पे यहाँ इसी में हम नमाज पढ़ते थे काफ़ी अरसे तक, यहीं बैठते थे, यहीं नमाज होती थी और यहीं हम लोग रहते थे। हैं अहमद भाई जी बिल्कुल यहीं। अब देखें आप तरक्की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ऊपर ध्यान नहीं है लेकिन Imran is not relieving. Okay. Yeah. I asked him at Zohar. He said that might be, you know. Come, come. JazakAllah, sir. Alhamdulillah. Oh, Malaysia, who will call it? क्या चेक कर रहा है कि सब चीज हलाल टेंडर है? उस वक्त में आपको यहाँ आना था पता है? हाँ यहाँ आना था, फिर जी मैं अल्लाह ने भेज दिया। देखो वैसे नहीं ना साथियों को बोलते, माशाल्लाह पूरी दुनिया ही घूमी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने घुमा दिया, अब घूमे आप घूमे। अभी तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत हार्ड टाइम मिले हुए, अभी ऑस्ट्रेलिया 15 दिन लगा के आ रहा हूँ। नहीं नहीं हम बताते हैं लोग बॉल टेंपरिंग में पकड़ा ही नहीं। हाँ ऑस्ट्रेलिया पकड़ा ही नहीं। अच्छा क्या कवर पड़ गया? कैप्टन वाइस कैप्टन सीनियर प्लेयर्स फॉर व्हाट बॉल टेंपरिंग और वो कोच भी वॉकी टॉकी भी। वो पता है क्या गुड मैन हुआ क्या है ना ऑस्ट्रेलिया की वो कर रही थी रब ना उसे रब करके ना और प्लास्टिक जो है ना जेब में डाला और प्लास्टिक जेब से डाल के जॉक स्ट्रैप में यहाँ डाला और यहाँ रुमाल डाल लिया, वो सब रिकॉर्ड हो गया। इतने में ना वो कैमरा लगा ना तो वो लेमैन उसे कह रहा था उसको बताओ वॉकी टॉकी में, उसको वॉकी टॉकी भी अंदर चल रहा था, सारे एक्सपोज हो गए बेचारे। क्या बैन किया, क्या किया? अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। आपकी नींद में मुखल हो गया थोड़ा सा, एक झटका होता है ना वो आ गया। माशाल्लाह आप लोग तो मास्टर है भाई, इतना सफर करने वाले हैं। हमारे साथ एक कर्नल साहब थे इस्लामाबाद के, वो डॉक्टर थे फौज में कर्नल,
हम सात महीने हमने साथ लगाए उस आदमी में कभी थे वो कहते थे 24 घंटे के अंदर एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें आँख लगे ना तो आपकी 24 घंटे की नींद पूरी हो जाए और उनको आ जाती थी वो क्या करते थे वो यूँ बैठ जाते थे 10-15 मिनट उसमें वो वक्त आ जाता था वो झटका लेके खड़े हो जाते थे कहते थे मेरी नींद हो गई कोई ग्लास तो नहीं ये ग्लास या वाह वाह है का ऐसे नहीं करता बड़ा बिस्किट मेरी नजर इसी पे थी अच्छा मेरा गुड़ नहीं ना गुड़ ले गया हूं नहीं अब सही है अब डाल नहीं बिस्किट चीनी सेट हो जाएगा ये समोसा खाए बहुत बढ़िया समोसा है चाय में चीनी नहीं है नहीं नहीं डालने का अब डाल लीजिए घर ही कई गार्लिक ब्रेड फील्डिंग से लग जाते मैं हाफ आवर्स न्यू प्लेमर्थ में तो माशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं वहाँ तो अभी वो पाकिस्तान डे पे वो मतलब मुझे भी नहीं पता इतने हैं वो मैंने उसमें देखा फेसबुक में जी अभी वो पिछले दिनों वहाँ मल्टी मैच हुआ था इसीलिए उन्होंने मैच कराया था पाकिस्तान ने बहुत मैच हुआ आज से समझ लो 17-18 साल जी 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 बहुत है डॉक्टर्स हैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं 17-18 साल पहली सीरीज में था 89 में जब मैं पहली दफ़ा आया था उस वक्त मैच हुआ 89 में कितना हो गया 27 साल पहले पाकिस्तानी थे यहाँ बहुत बहुत डॉक्टर 90 में मैच खेले थे हम आईटी वाले इंजीनियर हैं used to be a international venue but now they just I think they just don't not doing it anymore beautiful ground they have to have a work on it zara sa kaam kare it would have been at the park oh yeah Pukekura Park. Yes, that's what I'm saying. Yeah. Trees. Yes. Well, we'll be a movie we've been adding the last time I saw Tom Cruise. हम लोग छोटे थे तो टीवी में देखते थे कि कैसे बैठते हैं और हम लोग खुद आए यहाँ पे तो ऐसे ही बैठते ग्राउंड में सीट भी नहीं है मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ जब उसका कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ ना यहाँ गिटार सब पहले तो इंग्लिश थी ना अब तो कुरान की वो मतलब अल्लाह की बातें और उससे म्यूजिक अल्लाह माफ कर ऐसा तो उसको टकरा अच्छा ये इतना काम कर रहा था माशाल्लाह अल्लाह इतना काम दे रहा था ये अमेरिका जाता था ये इस्लामिक स्कूल भी चला इंग्लैंड में इसको अमेरिका जहाज वापस करा दो वापस चलेगा आते रस्ते से इसके जहाज वापस हुआ ऐसा वो फिरा किसी आलिम के साथ मौन ईसा फरमाते हैं जो इस दावत के काम को हल्का समझेगा इससे हटेगा अल्लाह से मुसीबतें डालेंगे सबसे बड़ी मुसीबत इससे काम से फारिग कर देंगे मौलाना के महफूज हैं लेकिन वो एक्चुअली है ना वर्क तो अल्लाह किसी से भी ले देता है ना
है। मदरसा भी खोला था इसने, वही है स्कूल, वो इस्लामिक स्कूल और वो सब कुछ ये चला रहा है। अपना मतलब ब्रिटिश रेट का सबसे बड़ा स्कूल था जो ये चला रहा है, ब्रिटिश सिंगर है ना शेख हाशिम साहब के, इसके साथ गश्त पे गए ना अरब अरब स्टूडेंट के पास, उन्होंने रगड़ा दिया तो तुम आए। अच्छा ये जब दरवाजे पे खड़े तो सामने एक कैट स्टूडेंट की तस्वीर लगी, क्योंकि आज मैंने जानते हो कौन है जाने उनको जो तस्वीर तस्वीर तुमने लगाई यही हो अंदर बुलाया, कितना काम कर सकता था। अभी भी वो जो है नाते पढ़ता चला के रख देता, लेकिन बेचारे ने वो बस तो बहुत आहिस्ता ऐसे नहीं आया, जैसे जुनेद भाई को यही तो समझाते थे, क्योंकि जुनेद भाई आहिस्ता ही आएगा, एक पहले डफ लाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर टेन टेन एंड थिश हो जाएगा। बहुत फेमस ही है सिंगर था जमाने में, उनके जमाने में सही था बस मतलब ये मुसलमानों ने ज़्यादा मशहूर हो गया। हाँ मुसलमान वैसे नहीं था इतना, मुसलमान होने से ज़्यादा मिलते एवरेज सिंगर था, मतलब जैसे बाकी थे ना माइकल जैक्सन और ये हो तो क्या एज होगी इसकी अंदाज़ में? 60 नहीं, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। मैं तो अभी जब ये आया मुसलमान हुआ तब मैंने सिख दो नशीद सुनी, म्यूजिक के साथ भी पढ़ता है, म्यूजिक बहुत पसंद है। ये हफ्ते में एक वो कैट बनी हुई है वो इसके बंदे ना, हाँ वो ये अफगान तो नहीं है, वही है ग्रिफिन्स, वो आपके वो जो है डाइजेस्टिव के वो चॉकलेट और वही है ग्रिफिन्स। देखें आप पहचान देखें, एक मुसलमान भाई ग्रिफिन्स में काम कर रहे हैं, बोले जो माफ में मार्शमेलो वो नहीं मेलो था माने वो भी हलाल है बोले बस करना बस बस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बहुत कराची की चाय नहीं पीने मिलेगी नहीं नहीं ये तो मतलब तबर्रुक है जी अहमद भाई की हाथ की चाय बड़ी बात है भाई, ये तो मैंने पी थी ऑकलैंड में एक दफा मस्जिद उमर में, बड़ी पुरानी बात है। ऐसा पड़ता है वो ताला अल बदर है ना, हुबलुस का सुना आपने? बड़ा खतरनाक है जालिम सर। ये जो है ना देखें ये लाइन बहुत ही गलत लाइन, बहुत खतरनाक लाइन, मैंने कहा ना वो तो जरा ये हुबलुस है ना आपके हाथ से चाटी उसकी बीवी का गरम गरम फेस्टा थोड़ी गरम नहीं नहीं गरम 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 दे दे अच्छी लगी, बड़ा आलिम है हां जाता और बेहतरीन उर्दू बोलता है। अच्छा वो देखना वो तो इधर ऑस्ट्रेलिया रहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा वो तो भी जिसके घर गए थे किताबें बहुत वही वही ना वो हुबलुस का मालूम है सबको उड़ा रहा था और सजा मांग उसकी उसकी नॉलेज ही थी क्या, आपको कोई मसला पूछोगे ना तो वो चारों मसलक से हवाले के साथ मसला बताते हैं, चारों मसलक से उसकी पूरी आप मिले थे क्या कमरा चारों दीवारें किताबों से भरी हुई का मामू है। अच्छा अब मसला पता क्या हुआ, जब हुबलुस की जो सास है ना इसने जब जमात में लग गई अब इसको हम तरबीत देते रहते थे क्योंकि मेरे इनके घर आना जाना शुरू पर्दे की और ये तो पहले से माशाल्लाह तबलीग में भी आना जाना था उसका और तो काफ़ी आलिम आदमी है सबसे ज़्यादा उसने मुखालिफत की। अच्छा सबसे ज़्यादा निकाब के लिए बोला निकाब नहीं पहना बस, तो उसने बोला क्यों, तो इसने बोला कि तुम यहाँ के लोकल्स को गलत मैसेज दोगे इसके ज़रिए से, और उसने कहा कि लेबनान के अंदर सारी जो निकाब करती है ना औरतें वो मेजॉरिटी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, तो ये मुस्तहब है ये ज़रूरी नहीं है इनके शाफ़ी में क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे उन्होंने बताया कि तो मुझे मैंने कहा चलो तो मैं और इनकी सास और पुलिस की बीवी छुट्टी दे वो स्कूल का खानदान हम सब गए ऐसा हो जाए तो बुरा ज़रा नहीं होता है, हम दोनों बैठे थे और चारों तरफ पूरी इनकी फैमिली और ये फैमिली वो उसकी फैमिली इसके मामू की सब बैठे हुए सब
मैंने तो दो दो बातें कही उनको, उसने तो शुरू वो चुप नहीं होता सर, कई घंटे बात करता है, क्या उसने अपनी बातें करनी है। तो मैंने तो उससे दो सवाल पूछे हैं, मैंने कहा देखो पहली बात ये है कि अगर इसको मुस्तहब भी समझ लें चलो मुस्तहब है, लेकिन अगर एक मुस्तहब छोड़ने से आदमी हराम में मुलव्विस हो तो वो जायज़ है या ना जायज़ है। तो वो चकरा गया एकदम, कहने लगा अगर वो हराम में मुलव्विस होने का है तो फिर तो नहीं इजाज़त है उसकी। तो मैंने कहा उसको कि मैंने कहा कि ये तो तुम मानते हो ना निकाब अफजल है, अफजल अफजल और मुस्तहब की बात है ना, अफजल तो है ना वो, ये तो नहीं कहते कि चेहरा खुला अफजल है, कहीं है किसी किताब में? कहते नहीं, अफजल तो यही है। दो बातें, मैंने कहा प्रोस्टिट्यूट वहाँ पे पहनती है निकाब, मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में डाकू दाढ़ी रखते हैं तो कटवा दो। तो फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा ढीला हो गया एकदम। तो फिर मैंने जो है ना एक ऐसी बात बोली जो आज तक ये लोग सबको याद है, तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला देखो बात ये है कि इस पर्दा न करने की वजह से तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ है तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? उसका रंग पीला पड़ गया है। मुझे पता था एक दो वाक्यात उसके साथ हो चुके थे, मुझे पता था सब। कहते मेरी तरफ से इजाज़त है ये भले कह रहे, मैंने कहा नहीं इजाज़त लेने नहीं, शरीयत में तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बताओ तुम सपोर्ट क्या करोगे? बोला जो भी सपोर्ट। अच्छा वो क्यों क्यों मना कर रहा था ये मैं बताना चाह रहा था कि फिर उसकी बीवी को करना पड़ता, प्रॉब्लम ये था इसके साथ। बोला ये करेगी मेरी बहन तो मैं तो इतना बड़ा आलिम मशहूर हूँ, यहाँ पर मेरी बीवी को फिर निकाल डालना पड़ेगा। इसने शुरू किया और उसकी बीवी ने शुरू कर दिया। हालांकि ये आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तवाफ़ करती थी उठा के कपड़ा, सही रवायत, और जब सामने से आता था ना मेरा ऊपर ऐसे ढक लेती थी। ये पता नहीं कहा ये उनके मस्तक में, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा नज़रें नीची करो। जिस माशरे में नज़रें नीची हों उसमें कोई मसला नहीं है, आप फिर यहाँ तो नज़रें नीची होती नहीं, यहाँ तो बुरके में घुसते हैं लोग जानते हैं। यानी औरत के चेहरे के अलावा क्या चीज़ है औरत में? सब औरतें एक जैसी हैं। मुझे फौजी ने क्या कहा, कर्नल साहब आए कहते सही आप पर्दे पर्दे करते हैं, मेरी जो वो है ना पता नहीं एक रिश्तेदार ने पर्दा कर लिया और वो अब बच्चा उसका छोटा था, उसने आके माँ आ रही थी वहाँ, माँ समझा गले लगा तो चमाट पड़ा, अगर पर्दा दिख रहा होता तो कभी ना करता ये ऐसी हरकत, तो पर्दे में चिमटा वो कोई और औरत नहीं तो चमाट मार। अब बताएं अगर पर्दा ना होता तो मैं क्या कल को पीछे से अगर ये आके माँ को पकड़ा पीछे से जो चमाट पड़ा फिर पीछे से कुछ खोल के दिखाओ ताकि पर्दा ना हो नजर आए कौन है, मेरी माँ तो नहीं वहाँ घबरा के गए जी मैं आपसे बात नहीं कर। ये तो आदमी है वो जो मौलानी साहब कहते थे शेर की जो है वो उसे का शेर बना दो पीछे, हाँ मुझे मजा आएगा इतना ही रहने दो। अगर नमाज 6 बजे नमाज पढ़ के जाएंगे तो नहीं 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 मेरी एक गुजारिश है हम फौरन वजू करें, नमाज पढ़ के निकल, नमाज पढ़ के हम लोग तो पढ़ सकते हैं, हम तो मिसले अव्वल में भी मुसाफिर है ना, वो मिसले अव्वल में भी पढ़ आराम से पढ़ हम पढ़ ले निकल रहे हैं, हमें देर सवेर हो तो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो आदमी फिस्क और फुजूर में चला जाएगा ना तो उसके पास से इनका नूर चला जाएगा, उससे सही इल्म को उस आदमी ने जिसको नहीं समझ आ रही बात ना आज ना सिर्फ असल में वो ना मूल बात साहब से जुड़ा हुआ था, राम से नहीं जुड़ा हुआ तो मौली यूसुफ साहब के जमाने में कह दिया था कई अली मंजूर लाइक करते हैं लेकिन जुड़े नहीं वो पानी पानी है जो करके दिया था उसी में मिक्स करता रहता है अभी तक। गोइंग से ना इमरान इज नॉट अभी वही पानी ही डोंट वांट टू वर्क कितने साल से ही मच He might find some relief at work. Somebody for relief. नमाज पढ़े असल में इसको वापस भी जाना है ना। अरे वापस किधर जाना है?
छोड़ो ना यार, निकल लेना सीधा हो जाए नी। भाई अभी आ गए तो फंस गए। Throw this in the back. Yeah. I asked said, who's the chartered accountant here? They will fill this. हजरत कैसी लगी आपको हमारी मस्जिद? हजरत बहुत ही अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, आप माशाल्लाह घूम रहे हैं। आप देखिए ऐसे 12-13 घर हैं हमारे यहाँ पे, और उसमें अल्लाह ने हमें इससे नवाजा। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी जारी। हमें लोग चाहिए हजरत, हमें लोग चाहिए। मैंने पिछली दफ़ा भी अहमद भाई आए थे, मैंने कहा था कि भाई मेरा पैगाम दें वहाँ के। ठीक है, हर किसी को दौड़ लगी हुई है, जैसे हम रुके हुए वैसे कोई और भी आए इंशाल्लाह हमसे बेहतर आए, जो हमें भी सिखाए और सबको सिखाए, आगे भी सिखाए, कोई ऐसा आए। थे यहाँ पे हजरत मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, तीन थे, पर अपनी निजी वजहों से सब चले गए। एक वक्त में मस्जिद आयशा ऑकलैंड, उसके जो इमाम हैं हाफिज तस्लीम साहब, वो थे यहाँ। मौलाना अजमलद्दीन जो मस्जिद हेंडरसन के इमाम हैं, वो थे यहाँ। फिर हमारे एक फीजी के थे हाफिज आज़म, वो थे यहाँ। तो तीनों अपनी अपनी निजी की वजह से चले गए। ऐसा मैं भी मल्टी नेशनल में काम किया, बखुदा कराची से हूँ मैं, सारा 15 साल हो गए मेरी साले मेरे सब ऑकलैंड में। मुझे खींचते हैं आप मेरे हार्ट के बाद, क्या तुम कह रहे हो यहाँ? बखुदा मैं उनको कहता हूँ यार, ये मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। मेरा सगा भनोई पंचवक्ता है, वो मस्जिद नहीं जाता कि दूरी की वजह से। आप इसी मैं कहता हूँ बस हमें लोग चाहिए हजरत, इंशाल्लाह दुआ में आपको अच्छे लोग दिलाएंगे, इससे आपके बच्चे भी हिफाजत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है। जी हां जी, बच्चों को अभी से जो मकतब मिलेगा ना, जी जी जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की हिफाजत करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह होके जा रहे हैं माशाल्लाह। और आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत करी माशाल्लाह। अहमद भाई तो हमारी एक एक चीज से वाकिफ है, कोई चीज छुपी हुई नहीं उनसे। हम लोग गए वेलिंगटन से, लास्ट टाइम जब हम सईद भाई से मिलने गए थे, ऑन द वे बैक वी स्टॉप्ड इन वंगानुई, देयर वाज नो वन एट द इशा के टाइम पे, नहीं था कोई। आपकी मस्जिद में तो अज़ान तो होती है 5 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह। हां इवन डिप्लोमस, हां पहले डिप्लोमस में भी कोई था, अल्हम्दुलिल्लाह अब नया अल्हम्दुलिल्लाह पर आए लगे हैं। फजर में वो लोग हम गए थे माशाल्लाह, तर्तीब बना के जाने में आने लगे। एटलीस्ट आपकी मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कोई ना कोई अज़ान दे रहा, नमाज तो पढ़ लेता है, बड़ी बात है भाई। मस्जिद आबाद अज़ान हुआ सब ने, बिल्कुल 15-16 के हम माशाल्लाह, बड़ी बात। एक चीज़ है ये कि जो आदमी मस्जिद आया रहा है उसके नमाज मस्जिद में छूट जाए, उसके अखरे है ना, अजीब सा लगता है। हाँ, सही बात।
हम लोग तो यही, हमारा तो मस्जिद में के बगैर काम नहीं, भले कुछ भी हो, नमाज पढ़ने इधर ही आना है। इसलिए हमारे टाइमिंग भी जरा थोड़े से हमारे हिसाब से हैं। हाँ, तो लोग आए सब, तो आना है ना मस्जिद में, ऐसे टाइम का कुछ नहीं, कोई ना आए तो क्या फायदा। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह साइन कर दिए, थैंक यू साइन, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जुमा में और कुछ नहीं आते। मैंने बड़ा अच्छा हुआ ना, मैंने कहा बोले अच्छी चीज है, यूनिटी बाकी रहे ना, कोई जगह एक जगह दो नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह कोई मसला नहीं, तो हमने वहाँ मुफ्ती साहब से बात पूछ लिया, कंफर्म कर लिया, बोले ना नो प्रॉब्लम। मस्जिद यहाँ अगर आप हमारे साथ खड़े हो जाएं और हम एक तस्वीर अगर ले लें मस्जिद के साथ अपनी, हैं बाहरी है, नहीं नहीं बाहर ले लें। वैसे तो माशाल्लाह तस्वीरें तो आपकी वर्ल्ड वाइड है, गूगल पे है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, अशरफ भाई आगे सामान एक पानी की बोतल भी पीछे भी पड़ी है। तो भाई असद भाई फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह तुम खुश कर जी जी इसमें जा रहे हैं आप, जज़ाकअल्लाह दुआ में याद रखना। ठीक है अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह है, कोई बात नहीं, दुआ में याद रखना। आपके आपके ड्राइवर आए, रह जाओ रह जाओ, छोटा अच्छा सलाम अलैकुम। हमारी तश्कील वो मंथली जो हमारी जमात रहती है वो बीत रही है ना, इस दफ़ा हमारा तीन दिन इतना में अगली दफ़ा आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह, ख्याल से जाना है भाई, ठीक, अच्छा अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।